चलिए दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए आ गया है। दोस्तों आज बात करने वाले ओप्पो के सबसे सक्सेसफुल ऐप सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में, जो दोस्तों युवा में काफी ज्यादा पॉपुलर रही है। दोस्तों एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ओप्पो कंपनी ने अपने ऐप सीरीज के तहत ओप्पो F70 Pro भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों ये बेहतरीन फीचर से लेस एक स्मार्टफोन है। यूजर्स को दमदार कैमरा क्वालिटी के साथ ही बेहतरीन पावर बैकअप की सुविधा स्मार्टफोन में मिलने वाली। ओप्पो F70 Pro कंपनी का सबसे स्लिमेस्ट और स्मार्टफोन है। साथ ही ओप्पो F70 Pro यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम स्मार्टफोन है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बेहतरीन फीचर्स के बारे में, इसके कैमरा क्वालिटी के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और ये कितने वेरियंट में हमें उपलब्ध कराया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूँ जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम्स्यूटेक। चलिए शुरू करते हैं। ओप्पो F70 Pro दोस्तों एंड्रॉइड 10 पर आधारित कलर OS 7.2 पर काम करता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन की डिजाइन पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन शाइनी मेट फिनिशिंग के साथ आता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम लगता है। दोस्तों ये फोन आता है अल्ट्रा सिक डिजाइन के साथ, जो है दोस्तों 7.48 mm की थिकनेस के साथ। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन 164 ग्राम के अल्ट्रा लाइट वेट के साथ भी आता है, जिसे दोस्तों आप ओप्पो का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन बोल सकते हैं। ओप्पो का ये स्मार्टफोन आता है दोस्तों 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड ड्यूल पंच होल डिस्प्ले के साथ, जो आता है दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। फोन में दोस्तों आपको 90.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलने वाला है। साथ ही ये फोन दोस्तों गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस के प्रोटेक्शन के साथ आता है। कैमरे की बात करते हैं दोस्तों, आपको ओप्पो F72 में फ्रंट साइड में 16 MP का फ्रंट ड्यूअल डेप्थ कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों सोनी IMX X471 सेंसर के साथ आता है। वहीं दोस्तों इसमें 2 MP का एक दूसरा लेवल बुके मोड दिया हुआ है। बात करते हैं दोस्तों बैक साइड को, तो आपको बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा सेटअप इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों 48 MP का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, जो दोस्तों F1.8 अपर्चर वैल्यू के साथ आता है। वहीं दोस्तों दूसरा 8 MP का वाइड एंगल लेंस भी आपको इस फोन में देख जाएगा। तीसरा कैमरा दोस्तों 2 MP का मोनो लेंस है और चौथा कैमरा भी 2 MP का पोर्ट्रेट लेंस इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन के कैमरे में आपको अलग अलग एक्स्ट्रा फंक्शन भी देखने मिलने वाले, जैसे कि दोस्तों AI कलर पोर्ट्रेशन, ड्यूअल लेंस बुके, AI नाइट फ्लेयर पोर्ट्रेशन, AI सुपर नाइट पोर्ट्रेट, AI ब्यूटिफिकेशन 2.0। बैटरी की बात करें तो दोस्तों आपको ओप्पो F70 Pro में 4000 MAh की एक बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 30W वुक फ्लैश चार्जर के साथ आती है। 53 मिनट के अंदर ही आपके स्मार्टफोन को 100% चार्ज करके दे देगी। साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में सुपर पावर सेविंग मोड भी देखने को मिलने वाला है, इसमें आपको AI नाइट चार्जिंग की फैसिलिटी भी दी हुई। प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों आपको ओप्पो F70 Pro में MediaTek Helio P95 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों एंटीलैक टेक्नोलॉजी से लेस है। साथ ही दोस्तों 2.2 GHz हाई क्लॉक स्पीड भी इस फोन में आपको देखने को मिलने वाली है, जिससे दोस्तों आप बहुत ही स्मूथली किसी भी गेम को इस फोन में रन कर सकेंगे। सिक्योरिटी के लिए दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, साथ ही इस फोन में आपको फेस अनलॉक भी दिया हुआ है। यह फोन दोस्तों 3 स्लॉट के साथ आता है, जिसमें आप 2 SIM कार्ड और 1 microSD कार्ड लगा सकते हैं। एक्सटर्नल फंक्शन की बात करते तो दोस्तों आपको F70 Pro में डार्क मोड, मल्टी यूजर मोड, डॉक वॉल्ट, आर्टिकल वॉलपेपर, HD CPU एयर गैसर, क्विक रिटर्न बबल जैसी फैसिलिटी देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यह स्मार्टफोन कितने वेरिएंट में कंपनी ने लॉन्च किया था। दोस्तों ओप्पो F70 Pro को कंपनी ने एक ही सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो दोस्तों है 8 GB RAM और 128 GB फास्ट स्टोरेज। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में 256 GB तक का एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों ओप्पो F70 Pro आपको 22,990 रुपये में देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों 7 September से आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट में मिलने वाला है। कलर की बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी ने यह स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है, जो है मेटालिक व्हाइट, मैजिक ब्लू और मैट ब्लैक। कैसा लगा दोस्तों आपको यह स्मार्टफोन? मुझे तो दोस्तों पर्सनली ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाती है, अच्छा प्रोसेसर दिया हुआ है, सुपर कलर डिस्प्ले दी हुई। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए दोस्तों जय हिंद, जय माता दी, जय भारत।